सरकारा नूं इह पुछदा वा वी सानूं काहनूं गन्ने मंगू इह पीड़ देण कलाड़ी च सेंटर सरकार कह दिंदी आ साडी जिम्मेवारी नहीं पंजाब सरकार कह दिंदी आ साडी जिम्मेवारी नहीं 70 साल हो गए इन्हां दे ढट पाले ने इह किते कोठियां ते बीजियां कणकां जीरियां इन्हां ने असीं आपदियां जमीनां खराब कर लईआं जहर वालियां कर लईआं पाणी नीवें कर लई इन्हां दी अपनी बनाई होई स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने ही बंदे बिठाए हुए अपने ही वादे तो मुकर गए यही हालात रहे ये फिर देख लो तुम भुखमरी बढ़ जानी है इतने मार कटाई शुरू हो जानी है जब लोगों को पैसे नहीं होने लुटना ही अफसर आया उन्हें ढेरी का मुल लाता भी यदा ठीक आ लोचर इन भर दो अफसर के कहे तो नहीं इन्होंने परिचड़ी मंडी की गल हूँ मेरे इन फिलहाल चेते नहीं वह अफसर की सिलैक्ट करी हुई ढेरी नहीं इन्होंने भरी झोने का इसका सीजन चल रहा है तो तुम्हें पता है कि पूरे पंजाब की मंडिया के जो झोना रुड़ रहा है कितने लिफ्टिंग नहीं हो रही कितने किसान की जो फसल है उस पर कट लगाई जा रही है वक् वक् तरह के मुद्दों नाल जो किसान जो आड़ती ने मजदूर है चाहे किसान जथेबंदियां ने सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कोई केंद्र सरकार खिलाफ कर रहा है कोई राज सरकार खिलाफ कर रही अज तो नहीं किसान नाल असीं जो समराए दाणामड़ी पहुंचे हुए हैं समराला के किसान नाल मिलावांगे जो कि अपना दर्द बयान करने लई साडे नाल मौजूद ने सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी मैं हरमिंदर सिंह जी सानू सुरिंदर सिंह पिंड बरमा विलेज मैं कहना यह चाहना भी मैं सरकार यह पुछना वा भी सानू कहनू गन्ने मंगू ये पीड़ देन कलाड़ी च सेंटर सरकार कह दें साडी जिम्मेवारी नहीं पंजाब सरकार कह दें साडी जिम्मेवारी नहीं भी तो सानू भी पता लग जाए भी जिम्मेवारी है कि सेंटर से जोड़े नुमाइंदे बैठे ने वो देश चला रहे हैं एक किसान नहीं चला सकते पंजाब हरियाणे का जिन्हें 70 साल हो गए इन्होंने ढट पाले ने यह कितने कोठियां ते बीजियां कणकां जीरियां इन्होंने असी आपदियां जमीनां खराब कर लईआं जहर वालियां कर लईआं पाणी नीवें कर ले सानू हले भी पूरा मुल नहीं मिल रहा इन्हां दी अपनी बनाई हुई स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने ही बंदे बिठाए हुए अपने ही वादे तो मुकर गए वो रेट दे नाल सानू रेट देण समराले दाणा मंडी गल करिए तुहाडे हाथ दी जीरी आ जीरी हाँ जी आ जीरी देख लो जी जगह है नहीं सी आड़ती बेचारा की करे जगह है नहीं सी पांच दिन हो फोल नहीं हुई उहदे च धुआं निकल गया तुसीं मौका देख लो तुसीं देख लो भी हुण इहदा मेरा किन्ना घाटा पै गया इहनूं जिहड़ा मेरा दाणा सी माड़ा मोटा पक्कने वाला वह गल चुका है जी इहदा मतलब हजे कोई पता नहीं कह देने कि इन्हां ने तौलनी जे उत्तों मुक्चर आऊगा तो वो सैलर वाले कह देंगे असी तो 17 तो वध लेनी नहीं जे 17 तो वध है कोई ट्रक निकलिया गया चेक कर लिया उत्थे बाकी मीटर इन्हां दे अलग अलग ने आड़ती का मीटर कुछ दस रहे सैलर वाले का मीटर कुछ दस रहे फिर यह कह देंगे असी काट लावांगे दूसरे जब अगे 19-20 वालियां तुल गई हूँ ऐसकी की बिल्ली छिक गई सेंटर कार सुती पई है किसान रुड़ रहा असी नहीं देश दे बसी सेंटर गौरमेंट साडी नहीं है ये कल्ली कितने सरकारां दी होई है जां कांग्रेस दी जां अकालियां दी अगे त्यौहार ने असी हुण दिवाली देखनी आ बच्चे घरे कपड़े लीड़े होर लैने आ साडी जेब च पैसा ही नहीं असी बाजार च की लैण जावांगे धारा कौन दे तू सानू ये दसो तुसीं मैनूं गल है जी फिर बाकी आ कोई हरेक फसल आ रेट किन्ने हो गए रिओ दे सुपरेहां दे जिहड़ी 10 रुपये की चीज़ है नहीं वधदी मुलाजम की तनखाह 350% बढ़ गई जिमीदार की 23% बधाई आ फसल है जी बाकी सुपरेहां की वो 400 तो उत्ते परसेंट के हिसाब न जोड़ के देखो तुम्हें इन्ना रेट बढ़ गया जी किसी टाइम 10 रुपये की थी 20 रुपये की वो 400-500 की होगी हालात रहे की बनेगा यही हालात रहे ये फिर देख लो तुम भुखमरी बढ़ जानी है इतने मार कटाई शुरू हो जानी है जब लोगों को पैसे नहीं होने लुटना ही आ कल की गल आ कोई बंदा इतों ही अंदरों समान लै गया चक्के आ बंदे का मोबाइल सानू नहीं पता लग्या कोल बैठे मिनट लाया उन्हें पंजाब सरकार स्पीकर आए थी ओह कहिंदे सी सारे हालात काबू च ने काबू इत्थे मंडी जा के तो देखो कुर्सी ते बैठ के थोड़ा हुंदा एक इत्थे अफसर आया सी उन्हें ढेरी का मुल लाता भी इहदा ठीक आ मुक्चर इहनूं भर दो वह अफसर के कहे तो नहीं इन्होंने परिचड़ी मंडी की गल हूँ मेरे इन्नी फिलहाल चेते नहीं वह अफसर की सिलैक्ट करी हुई ढेरी नहीं इन्होंने भरी तुसीं देख लो भी आ हालात ने पंजाब के जे इन्हां कोल इन्ना समान नहीं साम हुंदा तां कंपनियां नूं देण वाघा बार्डर कदी बंद करिया आलू नहीं बिक रहे
ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ 1200 ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਨੂੰ ਆਲੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਹੈਂਜੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੱਟ ਹੋਣੇ ਆ 150 ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਮੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੋਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਲਈਏ 70% ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਸਮਰਾਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਲਟਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੋ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਨੀਚੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜੋ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਦੇਵਾ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ